रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदूवादी संगठन हुए एकजुट। जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। बुधवार को महाराष्ट्र की पुलिस द्वारा रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी को उनके घर से अल सुबह जबरन गिरफ्तार करने के मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अर्णब गोस्वामी को पुलिस ने किसी पुराने बंद पड़े मामले में, जिसमें पूर्व में FR लगा दी गई है, उस मामले में दोबारा से गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि अर्णब गोस्वामी राष्ट्रवादी विचारधारा के होने के चलते मुंबई के पालघर हमले में साधु संतों की हत्या के खिलाफ, बॉलीवुड के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के खिलाफ और हाल ही में बॉलीवुड के ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाते रहे, जिसके चलते महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और NCP की खिचड़ी सरकार उनके घोर विरोधी हो गई और उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर दबाव डालकर येन केन प्रकारेण अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए, जिस पर पुलिस को अर्णब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार करना पड़ा। गुरुवार को अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत और महानगर सह मंत्री रविंद्र सांखला के नेतृत्व में ABVP के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किए जाने की निंदा करते हुए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस सरकार ने मिलकर जो अपने अर्णब गोस्वामी जी को गिरफ्तार किया है, उसकी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार अगर काम करेंगे तो कांग्रेस सरकार से आज वो रवैया अपनाने को कर रही है जैसे कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय अपनाया था। इसी कारण से आज विद्यार्थी परिषद ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब को ये कहा है, राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा है कि आप इस पर उचित से उचित कार्यवाही करें। अजमेर महानगर में अर्णब गोस्वामी को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जो हमारी महाराष्ट्र सरकार है, जो कांग्रेस और शिवसेना के मिला के बनाई हुई जो सरकार है गठबंधन की, उसको आज वहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर आना इतनी अति कर रखी है, जिससे कभी कभी किसी का कोई लेना देना नहीं उस मैटर में, उसको उठा के डाल दिया, जबकि उनका कोई इस विषय में कोई ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं है उनका, और लगातार नई नई बातें आती जा रही है महाराष्ट्र सरकार से, या तो उन्हें सुधारे नहीं तो इस्तीफा दे सकती अपनी वो सरकार। इसी तरह बजरंग दल महानगर द्वारा भी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बजरंग दल के महानगर सह संयोजक दिलीप सिंह गौड़ ने बताया कि राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ सेकुलर सरकार, जो कांग्रेस की सरपरस्ती में चल रही है, राष्ट्रवादी मानसिकता वाले लोगों पर जबरन प्रहार कर उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, जिसे देश का हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्णब गोस्वामी के समर्थन में पूरे देश भर में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती, तब तक सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। महाराष्ट्र के अंदर अर्णब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार ने अपनी प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जिस प्रकार एक पुराने फर्जी मामले को, जिसमें उन्हें पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, उन्हें गिरफ्तार किया गया और लगातार उनके ऊपर कोई ना कोई आक्षेप वो डाल रहे हैं, क्योंकि अर्णब गोस्वामी सनातन धर्म और इस प्रकार के जो पालघर में चाहे वह हत्या को लेकर कोई मामला हो, चाहे वह सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मामला हो, वह लगातार सरकार का खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और वह एक राष्ट्रवादी था और एक राष्ट्रवादी चैनल के पत्रकार के रूप में उभर कर आ रहे हैं, जिससे सरकार को अपने डर सता रहा है सरकार जाने का, और जनता में कहीं ना कहीं अर्णब गोस्वामी के लिए नंबर 1 न्यूज़ चैनल बनने का भी एक खतरा सा है। इसी का ध्यान में रखते हुए आज बजरंग दल अजमेर महानगर की तरफ से हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति जी के नाम पर ज्ञापन दिया है और इस मामले में राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेते हुए तथा केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेते हुए इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए निवेदन किया है।